नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 फरवरी दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार प्रशासनिक सेवा के 26 अफसरों का ट्रांसफर। बिहार में शुरू होगा पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण। आज सीएम नीतीश समाधान यात्रा के तहत पहुंचेंगे पूर्णिया और मधेपुरा। उत्तर बिहार में कोहरे के आसार, 5 दिनों तक मौसम रहेगा सुस्त। जडेजा का पंजा और रोहित का नाबाद अर्धशतक, पहला दिन रहा भारत के नाम। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10वीं पास के लिए आर्मी में निकली बम्पर भर्ती। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स यानी कि AOC ने ट्रेड्समैन, मेट और फायरमैन के कुल मिलाकर 1793 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उनके पास संबद्ध ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन करने के लिए AOC की ऑफिशियल वेबसाइट www.aocrecruitment.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 26 फरवरी 2023 तक है। बिहार में शुरू होगा पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण। केंद्र सरकार के द्वारा नई इथेनॉल पॉलिसी शुरू किए जाने के बाद राज्य सरकार के द्वारा 17 इथेनॉल उत्पादन यूनिट को मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि अभी बिहार में पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक बिहार में पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 10% किया जाता था, जो कि अब बढ़कर 20% हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल में इथेनॉल के 10% मिश्रण करने के लक्ष्य को समय से पहले पूरा कर लिया गया। वहीं अब 20% के लक्ष्य को भी समय से पहले हासिल करने का निर्धारित किया गया है। जहां तक राज्य में इथेनॉल के उत्पादन का सवाल है, तो अभी चीनी मिलों की डिस्टिलरीज में करीब 12 करोड़ लीटर सालाना उत्पादन होता है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुशांत सिन्हा के बारे में। सुशांत सिन्हा एक भारतीय न्यूज रिपोर्टर तथा पत्रकार है। अब तक इन्होंने कई बड़े न्यूज चैनल में काम किया है, जिनमें जैन टीवी, जनमत टीवी, लाइव इंडिया, News24, NDTV और इंडिया न्यूज जैसे चैनलों के नाम शामिल है। वर्तमान समय में यह टाइम्स नाउ, नव भारत टीवी चैनल में काम कर रहे हैं। बता दें कि लोग इनकी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए इन्हें खूब पसंद करते हैं। मालूम हो कि इन्होंने अपने एंकर की जर्नी की शुरुआत वर्ष 2002 में जैन टीवी से की थी। पत्रकारिता के अलावा इनका अपना एक YouTube चैनल भी है, जिस पर वो लोगों को देश से जुड़ी अलग अलग समस्याओं के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। सभी चीजों के अलावा इन्होंने कई बड़े तथा प्रसिद्ध शो भी किए हैं, जिसमें प्रश्नकाल, सुनो इंडिया और जवाब तो देना होगा जैसे डिबेट शो के नाम शामिल हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा के 26 अफसरों का ट्रांसफर। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के 26 अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है। बता दें कि जिन 26 अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है, उनमें सुधीर कुमार, तारकेश्वर प्रसाद शाह, चंदन कुमार मंडल, गौतम कुमार, रविन्द्र राम, कृष्ण कुमार यादव, दिनेश राम, सुधीर कुमार, नीतू सिंह, कुमारी अर्चना, विष्णुदेव मंडल, वकील प्रसाद सिंह, अरुणा कुमारी, नदीमूल गफ्फार, रवि प्रकाश, सुभाषिनी प्रसाद, स्मृति कुमारी, मार्गन सिन्हा, अभिनय भास्कर, अनुग्रह नारायण सिंह, पितेश्वर प्रसाद, शहीद परवेज, पूनम कुमारी, परमानंद कुमार और सुरेंद्र राय का नाम शामिल है। सीएम नीतीश समाधान यात्रा के तहत पहुंचेंगे पूर्णिया और मधेपुरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी समाधान यात्रा के दौरान पूर्णिया और मधेपुरा जाने वाले हैं, जहां इनके स्वागत के लिए जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। बता दें कि इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया में पंचायत सरकार भवन, मॉडल राजस्व हाट और 40 बेड के अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे पूर्णिया DM ऑफिस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके बाद सीएम नीतीश मधेपुरा में जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर सिंहेश्वर खंड अंतर्गत झट सबैला पंचायत के वार्ड नंबर 6 जाएंगे और आंगनबाड़ी मॉडल केंद्र तथा कचरा प्रबंधन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे पैदल झट सबैला पंचायत के वार्ड संख्या 6 में कचरा प्रबंधन केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद विभिन्न योजनाओं का अवलोकन भी करेंगे। 15 लाख के इनामी नक्सली ने हथियारों के साथ किया आत्मसमर्पण। बिहार झारखंड का कुख्यात वांटेड 15 लाख का इनामी नक्सली अभ्यास भुइया उर्फ प्रेम भुइया ने गया के रामपुर थाना क्षेत्र स्थित CRPF 159 बटालियन के प्रांगण में CRPF के कमांडेंट कुमार मयंक एवं गया के SSP आशीष भर्ती के सामने अपने आप को अपने एक राइफल और 925 जिंदा कारतूस के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। बता दें कि इस नक्सली पर बिहार सरकार के द्वारा भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें
कि यह 2003 से ही नक्सली संगठन से जुड़ा है और अब तक उसने बिहार झारखंड में दर्जनों लूट हत्या जैसे कांडों को अंजाम दे चुका है। मालूम हो कि इसके ऊपर सिर्फ बिहार और औरंगाबाद में 21 मामले दर्ज है। हालांकि अब जब प्रेम भुइयां ने आत्मसमर्पण कर दिया है तो उसे सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। 85 की उम्र में बिहार के इस नाना जी की शार्क टैंक ऑफ इंडिया में चमकी किस्मत। बिहार के भागलपुर के रहने वाले 85 वर्ष के राधा कृष्ण चौधरी की किस्मत सोनी टीवी के शो शार्क टैंक सीजन 2 में चमक गई। दरअसल वह इस शो में अपने स्टार्टअप को लेकर पहुंचे थे जो उन्होंने लॉकडाउन में अपनी पत्नी के साथ मिलकर शुरू किया था। इन्होंने जो स्टार्टअप शुरू किया था वह हर्बल हेयर ऑयल का स्टार्टअप था जिसका नाम उन्होंने केश पल्लव हेयर ऑयल दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनका यह स्टार्टअप महीने में करोड़ों रुपए कमाता है। इसके साथ ही इनका यह कारोबार देश के साथ साथ विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। हालांकि इस सबके बाद भी वे अपनी फैमिली के साथ शार्क टैंक के शो में गए जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यही वजह है कि उनके बिजनेस को और भी बूस्ट मिल गया है। जानकारी के लिए बता दें कि यह हमेशा से आयुर्वेद में रुचि रखते थे, इसलिए घर पे ही वह हेयर ऑयल पर रिसर्च करते थे। वहीं उनके इस हेयर ऑयल का तैयार होने में 3 महीने का समय लगा और इसके तैयार होने के बाद इसकी सबसे पहले टेस्टिंग उन्होंने अपने बालों पर की और फिर अपनी बेटियों के बालों पर करवाया। इन्होंने अपने इस तेल का नाम भी अपनी तीनों बेटियों के नाम के पहले अक्षर को जोड़कर रखा है। आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव ने होमगार्ड डीजी शोभा अहोतकर पर लगाया आरोप। बिहार के तेज तरार आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव के द्वारा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से होमगार्ड डीजी अहोतकर पर आरोप लगाया गया है। दरअसल उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी दुख और दर्द को साझा करते हुए कहा कि मुझे आईजी होमगार्ड्स एंड फायर सर्विस का दायित्व दिनांक 18/10/2022 को दिया गया था और तब से ही सभी नव दायित्वों के निर्वहन हेतु हर संभव प्रयास कर रहा हूं। प्रतिदिन तब से अनावश्यक ही डीजी मैडम के मुख से गालियां ही सुन रहा हूं, रिकॉर्डेड टू। परंतु यात्री आज मन वास्तव में द्रवित है। हालांकि उन्होंने कुछ समय के लिए अपना यह पोस्ट रखा और फिर तुरंत डिलीट कर दिया। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर ना तो डीजी शोभा अहोतकर कुछ बोलने को तैयार है और ना ही मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे बाबू वीर कुंवर सिंह स्मृति संग्रहालय के बारे में। बाबू वीर कुंवर सिंह स्मृति संग्रहालय भोजपुर जिले का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने एक अंग्रेज अफसर को मार दिया था। आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं और इनकी बहादुरी के बारे में जान सकते हैं। यह जगह बहुत प्रसिद्ध है। यहां पर आपको वीर कुंवर सिंह की मूर्ति भी देखने के लिए मिलती है जिसमें वह घोड़े पर सवार है। इसके अलावा यहां पर बहुत सारी पेंटिंग का संग्रह किया गया है। कुंवर सिंह संग्रहालय जिस स्मारक में बना हुआ है वह स्मारक भी प्राचीन है। संग्रहालय में आपको बहुत सारे डाक टिकट, प्राचीन हथियार, तिरंगा झंडा, बाबू वीर कुंवर सिंह का ध्वज, मूर्तियां, पेंटिंग, बाबू वीर कुंवर सिंह की बायोग्राफी देखने के लिए मिलती है। पेंटिंग में अंग्रेजों के अत्याचार, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए लोगों को दिखाया गया है। यहां पर आप आकर बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको यहां पर घूमने जरूर आना चाहिए। यह भोजपुर में घूमने लायक एक मुख्य जगह है। निगरानी विभाग ने रिश्वतखोर मनरेगा पीओ को किया गिरफ्तार। इन दिनों निगरानी विभाग की टीम के द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों की गिरफ्तारी की जा रही है। बता दें कि ताजा मामला सारण के गढ़वा प्रखंड का है जहां पटना से पहुंचे निगरानी विभाग की टीम के द्वारा मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह मनरेगा की 3 योजनाओं में 10 लाख रुपए के बिल भुगतान के एवज में 20% कमीशन की मांग कर रहे थे। वहीं जब इस मामले का सत्यापन किया गया तो यह आरोप सच पाया गया जिसके बाद पुलिस उपाधीक्षक समीर चंद्र झा के नेतृत्व में धावा दल का गठन कर विनोद कुमार सिंह को रंगे हाथ 2,20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। वहीं फिलहाल अभियुक्त से पूछताछ के लिए उन्हें मुजफ्फरपुर स्थित निगरानी अदालत में पेश किया जाएगा। आज से राज्य के 7.50 करोड़ लोगों को खिलाई जाएगी फाइलेरिया रोधी दवा। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार के द्वारा एमडीए पर आयोजित स्टेट टास्क फोर्स की बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार आज से अगले 14 दिनों तक राज्य के 24 जिलों में 7.50 करोड़ लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। बता दें कि राज्य के इन 24 जिलों में से 16 जिलों में 2 तरह की एवं 8 जिलों में 3 तरह की दवाई खिलाई जाएंगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अन्य विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके साथ ही कार्यपालक निदेशक संजय कुमार के द्वारा यह भी बताया गया है कि एमडीए राउंड के दौरान हर दिन शाम को दवा सेवन की स्थिति का जायजा लिया जाएगा और साथ ही मजबूत मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। बता दें कुछ दिन पहले राज्य के 48 प्रखंडों में नाइट ब्लड सर्वे में माइक्रोफाइलेरिया दर 1% से कम पाई गई थी। बिहार को
मिले 7 ट्रेनी आईपीएस अफसर। गृह विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु 7 अधिकारियों को एएसपी के रूप में जिला आवंटित किया गया है। बता दें कि यह सभी अफसर आईपीएस अधिकारी 2020 और 2021 के बैच के हैं। इन सभी को 29 सप्ताह के जिला व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है, जहां उन्हें सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करना होगा। इन सभी ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों के लिए अलग अलग जिला आवंटित किया गया है, जिनमें शिखर चौधरी को सारण, अपराजिता को भागलपुर, वैभव चौधरी को पूर्वी चंपारण, सोनाक्षी सिंह को पटना, भानु प्रताप सिंह को नालंदा, परिचय कुमार को मुंगेर और भावरे दीक्षा अरुण को सीतामढ़ी भेजा गया है। नेहा सिंह राठौर की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। बीते दिन गुरुवार को भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर के साथ कैमूर के रामगढ़ में एक हादसा हो गया। दरअसल उनके कार को पीछे की ओर से एक ट्रक के द्वारा टक्कर मार दिया गया। हालांकि इस दौरान उन्हें किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनका कार क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस दौरान नेहा सिंह राठौर की टक्कर मारने वाले ट्रक के मालिक से बहस भी हो गई। बता दें कि इस बात की जानकारी खुद नेहा सिंह राठौर के द्वारा बीते दिन ही ट्विटर पर ट्वीट करके दी गई है। उन्होंने लिखा है कि अभी अभी भभुआ कैमूर के रामगढ़ में मेरी कार में ट्रक संख्या BR24G1365 ने टक्कर मारी है। मैं सुरक्षित हूँ, गाड़ी इस डैमेज हुई है। क्षतिपूर्ति मांगने पर ट्रक मालिक ने मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उत्तर बिहार में कोहरे के आसार, 5 दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क। पटना समेत पूरे राज्य में पछुआ की मजबूत स्थिति होने के कारण तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के उत्तरी भागों में कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। वहीं अगले 5 दिनों तक प्रदेश का मौसम भी शुष्क बना रहेगा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो राज्य में अभी तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। खास तौर पर उत्तरी बिहार में कोहरे की वजह से सुबह और देर शाम में घर से बाहर निकलने वाले लोगों को मुश्किल होगी। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर धीरू कुमार तिवारी ने बताया कि मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। मौसम शुष्क बना रहेगा। पछुआ हवा चलते रहने से कनकनी बनी रहेगी। ठंड का एहसास होता रहेगा। आईपीएस विवेक कुमार पर ईडी ने कसा शिकंजा। इन दिनों ईडी लगातार भ्रष्टाचार से जुड़े आईपीएस ऑफिसर पर अपना शिकंजा कस रही है। बता दें कि ताजा मामला एसएसपी विवेक कुमार से जुड़ा है। दरअसल ईडी के द्वारा अब मुजफ्फरपुर के तत्कालीन एसएसपी विवेक कुमार के ऊपर आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर अपना शिकंजा कसा गया है। बता दें कि विवेक कुमार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से नोटिस भी भेज दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी 16 अप्रैल 2018 को बिहार के स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा मुजफ्फरपुर के एसएसपी रहे विवेक कुमार के ठिकानों पर प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट के तहत छापेमारी की गई थी और छापेमारी के बाद उन्हें सरकार के द्वारा निलंबित कर दिया गया था। हालांकि बाद में उनका निलंबन वापस ले लिया गया था और फिलहाल वे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल में कमांडेंट के पद पर पदस्थापित हैं। आज बिहार आ रहे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। 10 फरवरी यानी कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत मुख्य अतिथि के रूप में कुप्पा घाट के महर्षि मेही परमहंस महाराज के नए भवन का उद्घाटन के लिए भागलपुर के कुप्पा घाट बरारी आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ मुख्य अतिथि के रूप में बाबा रामदेव व महावीर मंदिर पटना के सचिव डॉक्टर किशोर कुणाल भी शामिल होंगे। वहीं इनके सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी, एसपी समेत अन्य अधिकारियों के द्वारा चप्पे चप्पे पर पुख्ता इंतजाम किया गया है और साथ ही महर्षि मेही आश्रम पहुंच सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार मोहन भागवत पर नक्सली और पाकिस्तानी समर्थित आईएसआई सहित अन्य आतंकी संगठनों का खतरा है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस बल भी मंगाए गए हैं, ताकि उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक न रह सके। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, ताकि उन पर कैमरों की मदद से भी निगरानी रखी जा सके। बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल यूएनडीपी सलाहकार समूह के सह अध्यक्ष बने। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के बाहरी सलाहकार समूह का सह अध्यक्ष बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को बनाया गया है। बता दें कि संजय जायसवाल बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। दरअसल यूएनडीपी के देशों को अपनी एनर्जी गवर्नेंस पेशकश को सही आकार देने में एनर्जी गवर्नेंस के लिए काम कर रही यूएनडीपी के सलाहकार समूह का उद्देश्य है। इस बात की जानकारी मिली है कि दुनिया भर के 23 विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया गया है। इनमें शिक्षाविद, निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय, गैर लाभकारी संस्थानों, युवाओं और समाज समूहों को शामिल किया गया है। कटिहार में जेडीयू नेता उपेंद्र कुछ
कुशवाहा का बयान। इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू पर किए जा रहे अपने बयानबाजी को लेकर खूब चर्चा में बने हुए हैं। वहीं अब उन्होंने बीते दिन कटिहार में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी में नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, वह बस पार्टी को पटरी पर लाना चाहते हैं। दरअसल बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा आचार संहिता के मामले में कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मेरी बातों को लोग अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पार्टी को बचाना मेरी ड्यूटी है और मैं वही कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी को बचा सकूं इसलिए जो हो पा रहा है वह सब काम कर रहा हूं। पार्टी कैसे बचेगी इसकी चिंता बिहार के सभी कार्यकर्ताओं को है, इसलिए मैंने उन्हीं कार्यकर्ताओं से कहा कि आइए बैठिए और फिर विचार विमर्श करेंगे कि किस प्रकार पार्टी को बचाया जा सकता है। बीजेपी ने महागठबंधन की रैली पर साधा निशाना। बीजेपी विधान पार्षद नवल किशोर यादव के द्वारा महागठबंधन के द्वारा की जा रही रैली पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता लोगों के बीच इतनी है कि लोग प्रधानमंत्री के पद के लिए किसी और चेहरे का नाम सोचते ही नहीं है। देश में प्रधानमंत्री के लिए सबसे आगे नरेंद्र मोदी का चेहरा आता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सीमांचल के क्षेत्र से कई रैलियां की हैं और संगठन के कई बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए हैं और आज महागठबंधन के लोग वहां रैली करने की बात कर रहे हैं। महागठबंधन वहां पर चाहे कितनी भी बड़ी रैली क्यों ना कर ले, लेकिन वहां के लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के द्वारा सीमांचल में की जाने वाली इस रैली से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनका तो यह मानना है कि लोकसभा चुनाव तक जेडीयू बिहार में पूरी तरह खत्म हो जाएगी और जो चुनाव बिहार में लोकसभा का होगा उसमें बीजेपी को ही प्रचंड जीत मिलेगी। अमित शाह के दौरे से महागठबंधन की रैली को जोड़ने की जरूरत नहीं, उमेश कुशवाहा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक तरफ जहां 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम पटना में हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की रैली भी उसी दिन पूर्णिया में की जा रही है, जिस वजह से इस रैली के मायने भी बढ़ गए हैं। वहीं महागठबंधन के द्वारा की जा रही इस रैली को लेकर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि महागठबंधन की रैली को अमित शाह के दौरे से न जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि अमित शाह के दौरे का कोई मतलब नहीं है, देश में महापरिवर्तन होने जा रहा है। भाजपा हटाओ देश बचाओ और उसका आगाज पूर्णिया से हो रहा है। आज जो लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान के संघीय ढांचे को नष्ट किया जा रहा है, बीजेपी जुमलेबाजी है और जाति समाज में बताने का काम कर रही है, उससे सतर्क रहना है। चिराग पासवान का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर बीते दिन लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में शराब पीने से मौतें हो रही है, लूट और हत्याओं की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, यह सभी चीजें नीतीश कुमार के नाकामी को दिखाता है। उनसे बिहार में हो रहे हर आपराधिक घटना को लेकर जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी है कि राज्य के हर नागरिक को सुरक्षा दी जा सके, लेकिन वे सिर्फ इससे बचने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी विफलता का ठिकरा दूसरों पर फोड़ना बंद कर दे, क्योंकि यह उनकी नाकामी है कि वे अपने ही कानून को धरातल पर नहीं उतार पा रहे। इसके साथ ही चिराग पासवान ने यह भी कहा कि यह सभी चाहते हैं कि दवा तैयार करने में थोड़ी मात्रा में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, मैंने भी यह साइंस में पढ़ा है, लेकिन बिहार सरकार और उनके अधिकारी इस शराब के धंधे से जोड़कर होम्योपैथिक चिकित्सक को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही अधिकारी समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं। जडेजा का पंजा और रोहित का नाबाद अर्धशतक, पहला दिन रहा भारत के नाम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने पहले दिन अपनी पकड़ बना ली है। पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को 177 रनों पर समेटने के बाद भारतीय टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट के नुकसान पर 77 रन बना लिए हैं। कप्तान रोहित शर्मा 56 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं और उनके साथ नाइट वॉचमैन रविचंद्रन अश्विन नाबाद लौटे। भारत अभी ऑस्ट्रेलिया से 100 रन पीछे है। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में कंगारू कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनके इस फैसले को टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने गलत साबित कर दिया। जडेजा के अलावा दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और मोहम्मद समी ने भी 1-1 विकेट झटकाए। दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर को चलता किया था। ऑस्ट्रेलिया 63.5 ओवरों में 177 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। तीसरा तथा अंतिम युद्ध रामपुर में अंग्रेजों तथा मराठा के बीच 1818 में लड़ा गया। महात्मा गांधी जी ने 1921 में काशी विद्यापीठ का उद्घाटन किया। नई दिल्ली 1931 में भारत की राजधानी बनी। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1970 में हिंदी मंच के कवि कुमार विश्वास का जन्म हुआ। 1890 में नोबेल पुरस्कार विजेता रूसी लेखक बोरिस पास्टरनाक का जन्म हुआ। 1805 में केरल
के समाज सुधारक तथा सीरियन कैथोलिक संत कुरियाकोसी इलियास चावड़ा का जन्म हुआ। 1847 में बांग्ला कवि लेखक नवीन चंद्रन सेन का जन्म हुआ था। 1915 में प्रसिद्ध लेखक सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का जन्म हुआ। कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नॉक का 1692 में कलकत्ता में निधन हुआ। वायरल में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे एडिटेड वीडियोस में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंचे थे। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ये वीडियोस फर्जी है, प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम नहीं गए थे। इन स्टेप्स को फॉलो कर मिनटों में बनवाए वोटर आईडी कार्ड। अगर आप भी अपना वोटर आईडी कार्ड बड़ी ही आसानी से बनवाना चाहते हैं तो बता दें कि इसके लिए ऑनलाइन सुविधा भी मिलती है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपको आवेदन करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। इसके लिए आप सबसे पहले मतदाता सेवा पोर्टल voterportal.eci.gov.in पर जाएं। अब अगर आप एक नए यूजर है तो एक लॉगिन अकाउंट बनाएं और अगर आप पुराने यूजर है तो अपना क्रेडेंशियल्स दर्ज करें। अब मतदाता पहचान पत्र के लिए बताए गए फॉर्म भरें। फॉर्म 6 या फॉर्म पहली बार मतदाता करने वाले लोगों और उन मतदाताओं के लिए जिन्होंने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल लिया है। फॉर्म 6A यह NRI मतदाताओं के लिए एक इलेक्शन कार्ड एप्लीकेशन है। फॉर्म 8 डाटा या जानकारी जैसे नाम, उम्र, पता, फोटो, DOB आदि में बदलाव के लिए इस फॉर्म को भरे। फॉर्म 8A उसी निर्वाचन क्षेत्र में अपना का पता बदलने के लिए इस फॉर्म को भरे। फॉर्म और फोटोग्राफ में पूछे गए अनुसार संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। सभी भरे हुए विवरणों को ध्यान से देखें और सभी विवरणों की पुष्टि करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकुमार ठाकुर, सदुल्लाह पलवी, रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, अनवर करीम खान, निवास कुमार, पंकज कुमार दास, नन्नू गोलू कुमार, सोहन कुमार, पुष्पेंद्र राय, मुटु रंगीला, चीवनाथ मंडल, कुश कुमार यादव, अतीक खान, राम नरेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में मौजूदा हालात को देखते हुए किस टीम के जीतने की उम्मीद है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।